गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब एडमिशन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें रेशियोज़ की हम लोग प्रॉब्लम कर रहे थे, अब उसमें हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ज़रा देख लीजिए, माही एंड रजत वर इन पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3। दे एडमिटेड कृपा एज अ न्यू पार्टनर। कृपा ब्रॉट 60,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम विच इंटायरली क्रेडिटेड टू माहीज कैपिटल अकाउंट। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड इतना। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इन्होंने कान को दूसरे तरीके से बोला है। देखिए, माही और रजत के बीच में जो रेशियो है वो है 4:3। ठीक है, ये दिखा। गुडविल ऑफ फर्म कितनी है? 4,20,000 ऑन एडमिशन डेट। जिस दिन एडमिट हो रहे हैं उस दिन 4,20,000 की वैल्यूड हो रही है। ओके, कृपा ब्रॉट गुडविल कितना? 60,000। क्वेश्चन को इन्होंने पलट दिया है। इन्होंने क्या कहा कि ये नहीं बताया कि कृपा का शेयर कितना है, उन्होंने बता दिया कृपा 60,000 लेके आ रहा है गुडविल। अब इससे क्या है, इससे हम निकालेंगे कृपा का शेयर कितना है। वो अपने शेयर की ही तो गुडविल लेके आएगा। इसका मतलब है 1/7। ये क्लियर हो गया। टोटल फर्म की 4,20,000 थी, उसमें से वो जितने शेयर, जितने पोर्शन के लिए, जितने शेयर के लिए वो एडमिट हो रहा है उतने ही लेके आएगा। चलिए, तो एक तो ट्रिक ये थी इसमें। अब दूसरी बात देखिए, इन्होंने लिखा है कि गुडविल ब्रॉट बाय कृपा इंटायरली क्रेडिटेड टू माहीज अकाउंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये निकलता है कि कृपा का जो शेयर है होली गिवन बाई माही, यानी कि माही का जो सेक्रीफाइस है वो 1/7 है और रजत का सेक्रीफाइस कितना है वो 0 है। रजत ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया है। क्लियर है ना? तो अब हमें निकालना है माही का नया शेयर क्या होगा। 4/7 था उनका पुराना, 1/7 सेक्रीफाइस कर दिया तो 3/7 बचा। रजत का नया शेयर क्या होगा? 3/7 था, सेक्रीफाइस इन्होंने कुछ नहीं किया। और कृपा का कितना होगा? उनका 1/7 है, 1/7 रहेगा। तो जो न्यू रेशियो रहेगा वो 3:3:1 रहेगा। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मैं सीरियसली कहूँ, ये कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जिनसे अकाउंट्स में हम कह सकते हैं कि कुछ इज्जत बची हुई है। इन्होंने कुछ नहीं बताया, नया शेयर नहीं बताया। इन्होंने क्या किया क्वेश्चन के अंदर कि भाई आपको ये बता दिया कि भाई आपकी कंपनी की वैल्यूएशन फर्म कितनी, गुडविल कितनी है और कृपा कितना लेके आ रहा है। तो कृपा तो अपने ही शेयर का लेके आएगा। अगली बात उन्होंने ये बता दी कि जो लाया है वो पूरा माही को दे दिया। तो माही को क्यों दिया? क्योंकि माही ने सेक्रीफाइस किया था। ठीक है ना? चलिए अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12। राकेश एंड सुरेश 4:3 है। जहीर ज्वाइन द न्यू
ज्वाइंट एंड द न्यू रेशियो कितना है 7:4:3। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ओल्ड माइनस न्यू कर दो, सेक्रीफाइस निकल आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। राकेश और सुरेश के बीच का जो रेशियो था वो था 4:3। ओके, और राकेश, सुरेश और जहीर के बीच में जो रेशियो है वो है 7:4:3। तो राकेश का सेक्रीफाइस क्या हुआ? पहले था 4/7, अब है 7/14। और सुरेश का सेक्रीफाइस क्या है? पहले था 3/7, अब है 3/7। तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा? वन इज टू टू। बहुत कठिन नहीं था ये, बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम थी। चलिए अगला देखें। करीम एंड रहमान आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है, 3:2 थी, नया रेशियो इनका है 4:3:2। कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13। करीम रहमान 3:2, करीम रहमान इनका रेशियो है 3:2, नया रेशियो है 4:3:2। करीम रहमान, तीसरा पार्टनर कौन है जरा बताओ? तीसरा पार्टनर है नवल। तो अब निकालिए करीम का सेक्रीफाइस क्या है। 3/5 में से अब है 4/9। और रहमान का सेक्रीफाइस क्या है? 7:3। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया। अब क्वेश्चन 14 करें। एबीसी का रेशियो है 4:3:2। डी एडमिट हो रहा 1/3 शेयर के लिए, जब कुछ भी नहीं दिया है तो सेक्रीफाइस रेशियो हमारा ओल्ड रेशियो होता है, ध्यान रखिए। अब लेकिन चूंकि इसमें क्वेश्चन ही सेक्रीफाइस रेशियो का पूछा है तो हमें निकाल के दिखाना पड़ेगा। ए बी सी के बीच का रेशियो दे रखा है 4:3:2। डी एडमिट हो रहा है 1/3 शेयर के लिए, तो हम लिखेंगे रिमेनिंग शेयर क्या हुआ? ये शेयर्ड बाई ए बी सी इन अपने ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे इसे। तो ए का नया शेयर क्या हुआ? 2/3 का 4/9, 8/27। बी का नया शेयर क्या हुआ?
वन बाई थ्री है तो इसको करेंगे हम 9/20 से, तो न्यू रेशियो होगा 8:6:4:9। ठीक है, चलिए ए का सेक्रीफाइस क्या हुआ, 4/9 - 8/27। बी का सेक्रीफाइस क्या होगा, सेक्रीफाइस रेशियो क्या आया बताया था मैंने, ओल्ड रेशियो के बराबर ही आएगा ये, बट चूंकि क्वेश्चन सेक्रीफाइस के लिए बोला तो आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, जब भी स्पेशली पूछा जाए सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है तो फिर आप सेक्रीफाइस निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखें, क्या लिखा है, ए बी सी डी इनके बीच में रेशियो दे रखा है, ई ने ज्वाइन किया 20% शेयर के लिए, और अगला जो इनके बीच का रेशियो है ये किनके बीच का है, ए बी सी डी के बीच का, वो ये दे रखा है, नया रेशियो निकालना है। चलिए 36:24:20:10 क्वेश्चन नंबर 15, ए बी सी डी 36:24:20:20 ओके। चलिए इसके बाद इन्होंने लिखा कि ई एडमिट हो रहा है, ट्वेंटी परसेंट शेयर दैट इज 1/5। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है इन्होंने, एंड ए बी सी डी इन फ्यूचर वुड शेयर प्रॉफिट एमंग देमसेल्फ इन 3:4:2:1 और न्यू शेयर बिटवीन ए बी सी डी इज 3:4:2:1। न्यू रेशियो कर दो शेयर की जगह, वो ज़्यादा अच्छा है। ए बी सी डी के बीच का रेशियो बदल गया, ए बी सी डी ई नहीं है इसमें, तो हम लिखेंगे ई का शेयर कितना है, तो रिमेनिंग शेयर कितना है, 3:4:2:1 ये गिवन है क्वेश्चन में, अगर नहीं गिवन होता है तो इसे हम ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को समझा करो। चलिए तो अब ए का न्यू शेयर क्या होगा, 4/5 - 3/10 12/50। बी का नया शेयर क्या होगा, 4/5 - 4/10 16/50। सी का नया शेयर क्या होगा, 4/5 - 2/10 8/50। और डी का नया शेयर क्या होगा, 4/5 - 1/10 4/50। ठीक है, और ई का शेयर हमें दे रखा है वो है 1/5, इसका मतलब हो गया 10/50। तो न्यू रेशियो क्या आया, 12:16:8:4:10 और इसको आधा कर दें तो 6:8:4:2:5। ठीक है,
ये बन जाएगा न्यू रेशियो। अब यहाँ से सेक्रीफाइस निकालिए, ए का सेक्रीफाइस कितना है, ओल्ड था 36/100 -12/50। बी का सेक्रीफाइस क्या है, बी ने सेक्रीफाइस नहीं किया, बी ने किया गेन। सी का सेक्रीफाइस क्या है, और डी का सेक्रीफाइस क्या हुआ, ठीक है। तो सेक्रीफाइस रेशियो आएगा ए सी डी के बीच में 12:4:12, दैट इज 3:1:3, और गेन रेशियो होगा बी और ई के बीच में, दैट इज 8/100 = 20/100, दैट इज 2:5। इसमें दो गेन रेशियो भी है और सेक्रीफाइस रेशियो भी है। चलिए ये तो मैंने न्यू रेशियो मांगा था, दे दिया। अगर पूछा हो गेन रेशियो सेक्रीफाइस वो भी निकाल सकते हैं। चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। गौतम एंड यासिका आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट अस्मा इनटू पार्टनरशिप। गौतम गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर, ठीक है। चलिए तो गौतम ने दिया 1/3 और यासिका ने दिया 1/10। क्वेश्चन नंबर 60, ये है गौतम याशिका, इनके बीच में रेशियो दे रखा 3:2। एडमिट कौन हो रहा है, अस्मा एडमिट हो रहा है। गौतम सेक्रीफाइस करता है कितना, 1/3 ऑफ गौतम से, और याशिका सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, 1/10 ऑफ याशिका से, 1/3 × 3/5, 1/10 × 2/5। यानी कि ये 5/25, ठीक है जी। तो आसमा का शेयर कितना हो जाएगा, 5/25 तो गौतम ने दे दिया, 1/25 दे दिया याशिका ने, यानी कि 6/25। और गौतम का नया शेयर क्या होगा, गौतम का पहले था 3/5, अब इसमें 5/25 हमने सेक्रीफाइस कर दिया, 25 डिनोमिनेटर, 15 - 5, 10/25। यासिका के पास पहले था 2/5, अब हमने दे दिया 1/25, 25 डिनोमिनेटर और आसमा का आपको पता है वो निकला है 6/25। तो सेक्रीफाइस रेशियो हो गया हमारा 5:1।
ये हमारा सेक्रीफाइज रेशियो, और न्यू रेशियो हो गया 10:9:6। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 10 टू क्वेश्चन नंबर 16 जो हमारी टीएस ग्रेवाल की प्रॉब्लम्स हैं वो हमने सॉल्व की पार्टनरशिप में एडमिशन की। चलिए, थैंक यू वेरी मच।